हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाजिम क्लासेस। देखिए, आज का ये वीडियो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ तक कि 100% आपके इस क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन है आपके 10 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं, उनसे आपका 100% आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाना है, चाहे आप क्लास 10th में हो या आप क्लास 12th में हो। तो वीडियो को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अच्छे से, सुकून से देखिएगा, क्योंकि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें आज ऐड किए हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, और आप इसको एक तरीके से अपना टेस्ट भी समझकर सॉल्व करें, साथ ही साथ इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में देते रहे। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और सभी को इसका आंसर कमेंट में देना होगा फटाफट अपने नाम के साथ, ठीक है, ताकि मुझे पता चल पाए कि आंसर किसने दिया है। तो इसका आंसर हमारा होने वाला है, क्या होने वाला है, इंशा अल्लाह खां। क्या? इंशा अल्लाह खां। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे आप हिंदी साहित्य से हो या आप हिंदी सामान्य हो, ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ही देखने को मिलने वाले हैं। प्रश्न संख्या सेकंड, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? फटाफट आप जो है आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिख दें, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी का आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, परीक्षा गुरु। बहुत ही महत्वपूर्ण, आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में। तो चैनल पर अगर जो नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, हिंदी की तैयारी बेहतरीन तरीके से करने के लिए बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम। देखिए, सभी को तैयार करने हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? सरस्वती पत्रिका के संपादक, अगर इसका आंसर आपने नहीं दिया तो आप अभी तक बहुत पीछे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। प्रश्न संख्या 3, तो आपका क्या आंसर होने वाला है फटाफट? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुझे मालूम है कि कुछ स्टूडेंट ने सोच लिया था लेकिन वो आंसर नहीं दे पाए, पता नहीं क्यों। तो आप आंसर फटाफट लिखें। नंबर 4, गंगावतरण के रचयिता हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गंगावतरण के रचयिता हैं, आपका आंसर होने वाला है जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और सभी आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जिस तरीके से आप इसको संभाल कर रख पाएं। तार सप्तक के कवि हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड परीक्षा 2021, तार सप्तक के कवि हैं। प्रश्न संख्या 5 का सभी लोग आंसर देंगे, तार सप्तक के कवि हैं, वन वर्ड में आंसर सभी का आना चाहिए प्रश्न संख्या 5 का। और ये हैं हमारे अज्ञे, जिनका पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वास्यानंद अज्ञे। अगला प्रश्न, नमक का दरोगा के कहानीकार हैं, मतलब कि किसने इसकी कहानी जो है लिखी है, नमक का दरोगा। सभी आंसर देंगे, आपको काफी बार ये मैंने प्रश्न करा दिया है, तो आपका आंसर क्या होने वाला है? प्रेमचंद्र, नमक का दरोगा कौन है? प्रेमचंद्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पपीहों की वह पीन पुकार पंक्ति है। प्रश्न संख्या 7 का सभी लोग आंसर क्या देने वाले हैं? सुमित्रा नंद पंत, बहुत ही शानदार, बेहतरीन, लाजवाब, बेमिसाल। प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो आप सभी का आंसर क्या होने वाला है, फटाफट कमेंट में लिखें। राम बोला गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम। देखिए, कमेंट में आपको कुछ तो लिखना होगा, वीडियो कैसी लगी, किस तरीके की आपको आगे वीडियो चाहिए, कहां आपको दिक्कत आ रही है हिंदी में, इंग्लिश में,
आप ये जरूर लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा बेहतर से बेहतर आपके लिए करने की। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नासिक के तो पाख्यान के लेखक हैं, नासिक के तो पाख्यान के लेखक हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सभी का आंसर होना चाहिए, सभी लिख दें एकदम, चाहे देख कर ही लिख दें। आज सदल मिश्र, सदल मिश्र जी हैं नासिक के तो पाख्यान। अगले प्रश्न की ओर, लास्ट प्रश्न, नई कविता के कवि हैं, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब ये क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर देंगे और पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। आपका क्या आंसर होने वाला है? अज्ञेय। काफी बच्चे हमारी बहुत बेहतरीन तैयारी भी कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि उनका स्कोर काफी अच्छा होने वाला है हिंदी में 2021 के बोर्ड एग्जाम में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।